गुड मॉर्निंग। देखिए आज अपना टॉपिक रहेगा विषम दाब न्यूनता, जिसको बोलते हैं डीपीडी, और दूसरा नाम है चुषण दाब या एसपी। तो कल अपन पढ़ रहे थे कोशिका में विभिन्न प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं, उसमें पहला पढ़ा था स्फीति दाब, दूसरा पढ़ा था हमने भित्ति दाब, तीसरा परास्रम दाब। अब आज पढ़ेंगे अपन चौथे प्रकार का जो दाब है विसरण दाब न्यूनता, जिसको बोलते हैं डीपीडी। और इसको जो सबसे पहले जो नामकरण है वो किसने किया था, बीएस मेयर ने। जबकि चुषण दाब के बारे में सबसे पहले जो शब्द का यूज किया था वो किया था रेनर नामक वैज्ञानिक ने किया। अब विसरण दाब, आपको विसरण के लिए बताया कि मैंने आपको उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की तरफ जो अणु का गमन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अब जो विसरण क्रिया होती है, ठीक है, तो विसरण क्रिया है तो विसरण के द्वारा होने वाले उत्पन्न दाब को क्या कहते हैं, विसरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण दाब। तो अपन यहां पर बात करेंगे विसरण दाब न्यूनता। तो होता क्या है, दो विलयन है उसके विसरण दाब के अंतर को क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। दो विलयन के विसरण दाब के अंतर को अपन क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। डीपीडी डी का हो गया डिफ्यूजन, पी का प्रेशर और डी का डिफिक्ट। तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिक्ट है क्या, किसे कहते हैं, जब दो विलयन, विलयन में क्या होता है, विलायक और विलेय, विलायक और क्या होता है, विलेय होता है। तो दो विलयन है उसके विसरण दाब का अंतर क्या कहलाता है, डीपीडी कहलाता है। अब इसमें आप देखोगे जैसे विलयन फर्स्ट ये, विलयन सेकंड ये, तो फर्स्ट में यहां पर क्या है, विलायक और क्या है, विलेय है, यानी इसमें विलायक और क्या है, विलेय, तभी क्या बना है, सॉल्यूशन बना है, यहां सॉल्यूशन टू है। अब यदि यहां पर विलेय की मात्रा यहां पर कम है जबकि यहां पर विलेय की मात्रा क्या है, अधिक, तो अपन बात करेंगे यहां डीपी यानी विसरण दाब है। मान लीजिए इस विलयन का कितना है, 10 बार, इस विलयन कितना है, 2 बार, ठीक है। तो दोनों के अंतर, दोनों के अंतर को क्या कहेंगे, डीपीडी, या अपन कहेंगे डीपीडी कितनी होगी, विलयन फर्स्ट की कितनी है 10 और 2 की 2, तो दोनों की डीपीडी कितनी हो गई है 8। तो दोनों के अंतर या विसरण दाब के, यानी इसका विसरण दाब और इसके विसरण दाब के अंतर को क्या कहा जाता है, डीपीडी कहा जाता है। तो परिभाषा बिल्कुल ध्यान देना, दो विलयन हो गए, इनके विसरण दाब के अंतर को क्या कहते हैं, डीपीडी। और दूसरी परिभाषा इसको ये भी कह सकते हैं, किसी तंत्र में विलय मिला देने पर, यानी किसी भी भाग, मान लीजिए यहां पर विलय कम है जबकि यहां पर विलय की मात्रा क्या है, अधिक है, तो किसी भी तंत्र में या कोई मान लीजिए विशेष प्रकार का विलायक है उसमें हमने क्या मिला दिया, विलय मिला दिया, तो डीपी में क्या आती है, कमी। तो उसके डीपी में कमी आने को हम अपन क्या बोलते हैं, डीपीडी कहते हैं। तो किसी तंत्र में विलय मिला देने पर, अब यहां बात करेंगे तो यहां पर विलय है, यहां पर विलय है, जबकि यहां पर विलय क्या मिला गया है, कम, जबकि यहां विलय क्या है, अधिक है। तो विलय मिला देने के कारण जो डीपी या तो कहेंगे विसरण दाब है उसमें जो कमी आ जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, डीपीडी। अब यहां पर 10, यहां पर कितना था, 2, दोनों के अंतर कितना हो गया, 8, दोनों में कमी आ गई, इसको अपन क्या बोलते हैं, डीपीडी। अब जब डीपीडी, अगर डीपी में कमी आती है, डीपी का मतलब हो गया डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब में क्या आ गई, कमी, इसको पूरा करने के लिए जो भी सेल है, कोशिका है, वो क्या काम करेगा, जल का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, क्या करेगा, जल का अवशोषण। इस पानी की मांग को अपन क्या कहते हैं, चुषण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, चुषण दाब। तो चुषण दाब की क्या परिभाषा होगी, डीपी है उसकी कमी को पूरा करने के लिए जल को क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा, और इसे पानी की मांग या चुषण दाब कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी, विसरण दाब न्यूनता की, दो विलयन है उसके विसरण दाब के अंतर को अपन क्या कहते हैं।
सकते हैं किसी तंत्र में विलय मिला देने पर डीपी में कमी आती है, इसे अपन क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। और डीपी की कमी को पूरा करने के लिए जल का क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा, और इसे अपन क्या कहते हैं, चूषण दाब या एसपी। अब यहां विलय फर्स्ट, यहां विलय सेकंड, उनके दोनों की डीपी के अंतर को हमने क्या बोल दिया, डीपीडी। अब सबसे अधिक शुद्ध जल है उसका डीपीडी का होगा सबसे अधिक होगा, और पूर्ण सरल कोशिका का डीपी अधिक, डीपीडी अधिक, और स्थिर कोशिका है इसकी डीपीडी क्या होगी कम, यानी मान लो पूरी कोशिका क्या है, स्थिर फूली हुई है तो जल का अवशोषण नहीं करेगी तो डीपीडी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सलग यानी जीर्ण कुंचित कोशिका कह दीजिए आप, तो सलग कोशिका है वो जल की शोषण क्षमता क्या करेगी, अधिक, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डीपीडी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब यहां पर अब इसी प्रकार अपन देखते हैं इन दाबों में संबंध क्या है, यानी जो कोशिका में दाब उत्पन्न होते हैं उनमें आपस में क्या संबंध है। तो देखिए अपन डीपीडी, तो हमने अभी बताया था आपको जो डीपी है या दो विलयन है उनके डीपी में जो अंतर है उसे अपन क्या बोलते हैं, डीपीडी कहते हैं। या अपन ये भी कह सकते हैं डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। क्या कह सकते हैं, ओपी माइनस टीपी। ओपी को क्या बोलेंगे, परास्रम दाब, और टीपी को क्या बोलेंगे, स्थिति दाब कहते हैं। तो परास्रम दाब व स्थिति दाब के अंतर क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। परास्रम दाब व स्थिति दाब है उसके अंतर को क्या कहते हैं, टीपी कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। परास्रम दाब व स्थिति दाब है उसके अंतर को अपन क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। अब जैसे हमने अभी पढ़ा था कि शुद्ध जल है उसका डीपी क्या होता है, सर्वाधिक होता है, यानी शुद्ध जल का विसरण दाब क्या होगा, सबसे अधिक होता है। परंतु इसमें, इस जल में हम कुछ विलेय मिला दें, कुछ विलेय मिला दें यानी इसमें कुछ घोलेंगे तो इसके विसरण दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यदि किसी शुद्ध जल में अपन क्या मिला दे, विलेय मिला दे, तो उसके मिश्रण दाब में क्या हो जाएगी, कमी, और क्या बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर या अपन कहेंगे परास्रम दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो फर्स्ट हो गया संबंध में डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, यानी परास्रम दाब व स्थिर दाब के अंतर को क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। अब देखिए क्या क्या केस हो सकते हैं, यानी इनका मान क्या होता है डीपीडी का, वो देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण सरल कोशिका है, पूर्ण सरल कोशिका है उसमें डीपीडी का मान क्या होता है, अधिकतम क्या होता है, अधिकतम होता है, यानी डीपीडी यानी चूषण क्षमता, चूषण क्षमता यानी अगर जीर्ण के अंदर जल की मात्रा में कमी है तो बाहर से जल को क्या करेगा, अवशोषित अधिक करेगा। इस कारण पूर्ण सरल कोशिका में डीपीडी का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो कभी आपसे पूछते हैं सड़क क्वेश्चन, पूर्ण सरल कोशिका में डीपीडी का मान क्या होता है, अधिकतम। या आप ये भी कह सकते हैं पूर्ण सरल कोशिका है उसमें डीपी क्या होता है, जीरो। ये आपको जैसे मैंने इसीलिए बताया था डीपी या ट्रिगर प्रेशर के बारे में बताया था, तो वहां आपको ये भी बताया था कि जो पूर्ण सरल कोशिका है उसके अंदर टीपी का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब टीपी शून्य होता है तो बाहर अंदर से बाहर की तरफ लगने वाला दाब क्या होता है, शून्य। सूत्र लेके क्या था, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। और टीपी का मान क्या हो गया इस कोशिका में, जीरो। तो जीरो, तो टीपी का मान यहां पर कितना रख दिया हमने, जीरो। तो डीपीडी बराबर क्या हो गया, ओपी। तो पूर्ण सरल कोशिका में डीपीडी का मान क्या होता है, अधिकतम, और या ये कह सकते हैं टीपी शून्य होने पर डीपीडी किसके बराबर होती है, ओपी के बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा पॉइंट, पूर्ण सरल कोशिका है, अब इसको किसमें डाल दिया जाता है, अल्प परास्रय विलयन में डाल देते हैं। अगर पूर्ण सरल कोशिका है उसको किसमें डालते हैं, अल्प परास्रय विलयन में डाल देते हैं।
तो कोशिका में जल अंदर प्रवेश करेगा, क्यों? क्योंकि ये जल की सोखने क्षमता क्या है इसकी, अधिक है, तो अंदर की तरफ क्या जाएगा, जल चला जाएगा, और जब जल जाता है तो जल अंदर प्रवेश करता रहता है। जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में जल अंदर प्रवेश करता रहता है। अब अंदर प्रवेश करेगा कब तक करेगा, जब तक ओपी किसके बराबर न हो जाए टीपी की। टीपी का मतलब अंदर से बाहर की तरफ लगने वाला प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर है। अर्ध पारगम्य झिल्ली थी उसके अंदर जो विलयन के अणु थे उसको प्रवेश करने का जो अनुरोध कर रहे थे, तो दाब उत्पन्न हो रहा था, उसे हमने क्या बोला था, ओपी। तो जब इसके अंदर जल कब तक प्रवेश करेगा, जब तक ओपी किसके बराबर न हो जाए टीपी के बराबर न हो जाए। अगर दोनों बराबर रहेंगे तो अंदर जल प्रवेश करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो पूर्ण कोशिका है उसमें को अपने कहां डाल दिया, अल्प प्राशनिक विलयन में डाल दिया, तो उसके अंदर जल प्रवेश करता रहता है, और कब तक करेगा, जब तक ओपी किसके बराबर नहीं हो जाए टीपी, यानी प्राशन दाब स्थिर दाब के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक उसके अंदर क्या प्रवेश करता रहेगा, जल प्रवेश करता रहेगा। इसी चौथी कंडीशन देखिए, पूर्ण स्थित कोशिका, उसके अंदर पूरी वो जल अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तो डीपी का मान क्या होता है, शून्य, यानी सोखने की क्षमता नहीं रहेगी। पूरी स्थित कोशिका उसमें जल की मात्रा क्या है, अधिक है, तो जल उसको अवशोषित नहीं करेगी। तो यहां पर हम देखते हैं डीपीडी बराबर ओपी माइनस टी, तो यहां डीपीडी का मान क्या होता है, शून्य, क्या होता है, शून्य। क्यों होता है, जब कोशिका में ओपी और टीपी आपस में बराबर हो गए तो कोशिका में क्या प्रवेश नहीं करेगा, भाई मान लीजिए पूरी कोशिका सेल है, ये इस सेल ये कौन सी कोशिका है, स्थित कोशिका है, तो मैं तो इसके अंदर जल प्रवेश करेगा, मैं बाहर निकलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ओपी और टीपी दोनों क्या हो गए, बराबर, बराबर हो गए, इसके अंदर क्या, अंदर कौन प्रवेश नहीं करेगा, जल। ओपी और टीपी का मान क्या लिख दिया, शून्य, सूत्र में लिखिए डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, डीपीडी का मान क्या हो गया, शून्य, क्यों, क्योंकि ओपी और टीपी दोनों क्या है, शून्य है, जिसके कारण डीपीडी क्या हो गई है, शून्य। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, तो आज अपने टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है मिश्रण दाब न्यूनता क्या होता है, दो विलयन है उसकी मिश्रण दाब के अंतर को क्या कहते हैं, मिश्रण दाब न्यूनता कहते हैं। फिर संबंध की बात करते हैं, पहले डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस क्या होता है, टीपी, फिर या फिर यही कहेंगे प्राशन दाब और स्थिर दाब के अंतर को अपन क्या कहेंगे, डीपीडी। अब शुद्ध जल में शुद्ध जल का डीपी यानी शोषण सोखने की क्षमता है वो क्या है, अधिक, शुद्ध जल की डीपी क्या होती है, अधिक, और इसमें हम विलयन मिला देंगे तो मिश्रण दाब में क्या जाती है, कमी, ओपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे बात करेंगे पूर्ण सर्प कोशिका है उसमें डीपीडी क्या होगी, अधिक, क्यों, क्योंकि डीपी का मान क्या है वहां पर, शून्य, तो डीपीडी किसके बराबर हो जाएगी, ओपी के। और पूर्ण सर्प कोशिका है उसको कहां डाल दिया, अल्प राशनी में, तो जल अंदर प्रवेश करेगा कब तक, जब तक ओपी किसके बराबर नहीं होती है, टीपी के बराबर। और लास्ट पॉइंट है अपना पूर्ण स्थित कोशिका है उसको डीपीडी हमेशा क्या होती है, शून्य। कभी पूछ लिया जाए कि पूर्ण स्थित कोशिका की डीपीडी कितनी होती है, तो शून्य, क्यों, क्यों होती है, क्योंकि न तो इसमें जल प्रवेश करेगा न बाहर निकलेगा, अर्थात ओपी और टीपी दोनों क्या है, शून्य। इस कंडीशन में डीपीडी का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब आपको आज इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है कोण स्पिक कोशिका में, कोण स्पिक कोशिका में डीपीडी का मान क्या होता है। सभी बच्चों को इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है। थैंक यू।